तो हेलो एवरीवन, कैसे हो। सूर्या टेक्निकल चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस को लेकर के, क्या क्या नोटिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्रिएटेड या है, कितने लोग फॉर्म भर सकते हैं, पूरी जानकारी में इस वीडियो में बात कर लेंगे। उसके लिए आपको सरकारीresult.com चले जाना है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद इस साइट को, फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट को आपको क्लिक करना है। सरकारीresult.com का ऑफिशियल वेबसाइट है, हल्का स्लोप डाउन करके हल्का नीचे आ जाना है। यहाँ पे एक नंबर पे भी मिल जाएगा और यहाँ से हल्का नीचे आ जाना है। यहाँ पे तीन चीज़ नजर आएगा, लेटेस्ट रिजल्ट, एडमिट कार्ड, तो आपको लेटेस्ट जॉब में जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको तीन नंबर पॉइंट, यहाँ पे आपको एक चीज़ और नज़र आएगा कि CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023, यानी कि यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। ये सब आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे क्लिक कीजिएगा तो बिहार पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेकर गया है। पूरी जानकारी इसमें दिया गया है कि कब से फॉर्म चालू होगा, पूरी जानकारी इसमें दिया गया है, ठीक है। सब्सक्राइब कर ले, एक एक अपडेट देते रहेंगे। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता देते हैं, ठीक है। उसका तो लिखा है अप्लीकेशन बिगिन, यानी कि 20/6/2023 से इसका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। जनरल OBC ST के लिए ₹675 रखा गया है, SC ST के लिए ₹180 रखा गया है। ऑनलाइन डेबिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, इसका सब चीज़ इसमें दिया गया है, ठीक है। इसका लास्ट डेट है 20/7/2023 तक इसका आप फॉर्म भर सकते हैं बिहार पुलिस का, ठीक है। 20/7 तक इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसका एग्जाम डेट बोल रहा है एज पर शेड्यूल, यानी कि आने के बाद सूचित किया जाएगा। एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्जाम, परीक्षा से पहले बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मिनिमम एज 18 साल तक आप भर सकते हैं, मैक्सिमम एज 25 साल तक आप भर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट के लिए अलग से 5 साल का छूट रहता है। इसमें आपको हर चीज़ इसमें डिटेल थोड़ा हम शो करके बता देते हैं कि इसमें क्या है। टोटल पोस्ट है 21,391 पोस्ट है, जो जो मेन मेन जानकारी आपको बताते जा रहे हैं। 21,391 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। कॉन्स्टेबल इन बिहार पुलिस, यानी कि मेल फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल, यानी कि मेल और पुरुष दोनों भर सकते हैं। पासे 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम एनी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी इन इंडिया, यानी कि सिर्फ इंटर पास लेवल पे आप भर सकते हैं इसका फॉर्म बिहार पुलिस का। उसके बाद थोड़ा और नीचे जो जो है डिटेल्स उसका हम जान लेते हैं। यूवर कैंडिडेट में इतना स्टूडेंट्स है, उसके बाद EWS में हर कास्ट में अलग अलग पोस्ट रखा गया है। BC में इतना है, EBC में 38,44 है और BC फीमेल में 655 है, SC में 34,000 पोस्ट है, ST में 228 पोस्ट है। टोटल मिलाकर के 21,391 पोस्ट है, ठीक है। और ये रह गया, उसके बाद कैटेगोरी मेल फीमेल हो गया, उसके बाद इस सब के बारे में बताया गया है, पूरी जानकारी इसमें दे दिखाया है, ठीक है। और भी थोड़ा डिटेल्स इसमें जान लेते हैं कि कोई आपको दिक्कत ना हो। पूरा डिटेल जानने के बाद हर का और नीचे आकर के जानकारी आपको हम दे देते हैं, ठीक है। हाइट और डिस्टेंस के भी इसमें बात कर लेते हैं, कितना रखा गया है, ठीक है। मेल के लिए हाइट रखा गया है यहाँ पे आपको, जनरल OBC के लिए 165 सेंटीमीटर, EBC SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर, ऑल कैटेगरी के लिए 155 सेंटीमीटर, महिला के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है फीमेल, यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल लिखा हुआ है, ये सब आपको ध्यान रखना है हल्का हल्का, ठीक है। उसके बाद चेस्ट, यानी कि सिर्फ पुरुष के लिए चेस्ट कितना रहना चाहिए। जनरल BC ABCA के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर, SC ST के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए नॉट अवेलेबल, यानी कि फीमेल के लिए कोई अवेलेबल नहीं है चेस्ट, ठीक है। उसके बाद रनिंग के लिए, ये देखिए दौड़ कितना का रहेगा, 1.6 किलोमीटर लड़का के लिए रहेगा, लड़की के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में तय करना है, और लड़का के लिए 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में तय करना है, ठीक है। उसके बाद एक गोला फेंक भी रहेगा, 16 पाउंड गोला फेंक थ्राउ 16 फीट तक आपको फेंकना है, और लड़की को 12 पाउंड गोला फीट थ्राउ 12 फीट फेंकना है, ठीक है। ये सब उसका नियम कानून कुछ बता दिए हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो। और भी कोई दिक्कत है, लॉन्ग जंप ही हाई जंप ही है, हल्का डिटेल सब जानकारी दे देते हैं, ठीक है। इसमें उसका 4 फीट है मेल के लिए, फीमेल के लिए 3 फीट है, लॉन्ग जंप हाई जंप, ये सब हो गया। और भी कोई दिक्कत है, उसके बाद हम आपको देते हैं लिंक एक्टिवेट कब होगा, ठीक है। लिंक एक्टिवेट 20/6/2023 को होगा, आप लोग इंतजार कीजिए, 20 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। लिंक एक्टिवेटेड 20/6/2023, डाउनलोड नोटिफिकेशन, उसके बाद क्लिक हियर, यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।